स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने YouTube चैनल MSA स्टडी टॉक्स पर। तो इस चैनल के माध्यम से झारखंड में तमाम नौकरी और शिक्षा से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी मिलता रहता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप लोगों को तमाम अपडेट ऐसे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने साथियों को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो एक नया अपडेट आ रही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। तो अपडेट में क्या है कि आप सभी को पता होगा, दो दिन पहले झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी झारखंड PRT टीचर्स बहाली, जो कि 26,000 शिक्षक बहाली होनी है, इसको लेकर जो विज्ञापन रिलीज़ किया गया था, तो आज के डेट में 21/7/2023 अभी अभी एक नोटिस रिलीज़ किया गया है JSC की तरफ से। तो चलिए इसके बारे में क्या नोटिस में है दिखा देते हैं। तो विज्ञापन संख्या 13/2023 झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना नंबर 1, आयोग द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित आचार्य यानी 1-5 और 6-8 के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 13/2023 झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रकाशित की गई है। उक्त प्रकाशित विज्ञापन से संबंध विवरणिका की खंडिका 7.1 में अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि का निर्धारण निम्नवत किया गया है। तो जो विज्ञापन रिलीज़ किया गया है उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको क्या रखा गया है, 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है 1/8/2019। और इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बदलाव किया गया है, जिसमें देखिए कौन सा यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है कि उपरोक्त के क्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 973 दिनांक 21/7/2023 के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि निम्न रूपेण संशोधित की जाती है, यानी अधिकतम उम्र सीमा जो अब होगी वो होगा 1/8/2016, यानी लगभग जो 4 सालों का यहाँ पे एज में यहाँ पे छूट दी गई थी, इस बार उसमें और यहाँ पे 3 साल ऐड किया गया है, यानी टोटल 7 सालों का यहाँ पे जो है रहेगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी आया हुआ है वो 2016 में जो JTET हुआ था, JTET पास कैंडिडेट्स है उनको ही मौका दिए गए हैं। तो इस हिसाब से 2016 जो है अधिकतम उम्र सीमा की गणना होगी और विज्ञापन एवं विवरणिका की जो बाकी शर्तें हैं वो रहेगी, लेकिन इसमें जो बदलाव होगा वो है कि जो अधिकतम यानी मैक्सिमम एज लिमिट है 1/8/2019 उसमें बदलाव किया गया है, अब अधिकतम उम्र सीमा की गणना होगी 1/8/2016, क्योंकि JTET पास कैंडिडेट्स है तो जितने भी कैंडिडेट्स 2016 में हैं उसी तक का यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा की छूट दी गई है। तो ये अपडेट है झारखंड 26,000 शिक्षक बहाली को लेकर, जिसमें उम्र सीमा की जो छूट दी गई है। बाकी आप लोगों को झारखंड में तमाम नौकरी से रिलेटेड स्पेशली झारखंड शिक्षक चाहे PRT हो, TGT हो या PGT हो, आपको अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।